हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अलका। कैसे हैं आप सब लोग? कल मैंने आप लोगों से वीडियो जो शेयर की थी वो थी यूट्यूब की बेसिक इन्फॉर्मेशन की, जो इस सीरीज़ का पार्ट वन था। आज मैं पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ कि यूट्यूब पर आप लोगों को सब्सक्राइबर कैसे लाने हैं। सब फंडा जो है सब्सक्राइबर से ही है। सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे? व्यूज़ नहीं होगा तो जो बिल्कुल एंड वाला टारगेट होता है पैसा, पैसा कहाँ से आएगा? तो वो सब तो सब्सक्राइबर पे ही डिपेंड करता है कि सब्सक्राइबर जब होंगे तो ही पैसा आएगा। मैं ये नहीं कहती कि जिसके से 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर हैं उसको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता, उसको पैसा व्यूज़ पर आता है। बट फिलहाल मैं बात कर रही हूँ जो यूट्यूब की गाइडलाइन है, जो यूट्यूब ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि उसके बाद में ही आपको पैसा आना शुरू होगा, वो है आपका वॉच टाइम और आपके 1,000 सब्सक्राइबर। सुनने में इतना बड़ा नहीं लगता 1,000 सब्सक्राइबर, बट गेन करने में इतना टाइम और इतनी मेहनत लग जाती है ना कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। जो स्टार्टिंग के आपके 1,000 सब्सक्राइबर हैं वो आपको बहुत मेहनत से मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत से मिलेंगे। बट हाँ, जब आपके 1,000 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि 1,000 लोग आपके आसपास हो जाएंगे जो आपकी वीडियोस को ज़्यादा देखेंगे, आपका वॉच टाइम बढ़ाएंगे, जिससे आपकी वीडियो आगे से आगे पहुँचाई जाएगी यूट्यूब के ज़रिए। ठीक है, तो कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो इन्हेंस होगी कि ये सब्सक्राइबर आपको लाने कैसे, आपको जेन्युइन सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे। वरना फेक तो चाहे आप एक दिन में 1,000 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब फॉर सब आप लोगों ने सबने सुना होगा, कितने सारे चैनल्स पे भी होता है कि आप मुझे करो मैं तुम्हें करूँगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग आपकी वीडियोस देखते ही नहीं है। ठीक है, तो आपका वॉच टाइम कभी कंप्लीट नहीं होगा अगर 1,000 आप सब्सक्राइबर ऐसे लोए भी लोगे। आपको चाहिए जेन्युइन सब्सक्राइबर, तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों से क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका हेल्प। आपको हेल्प मांगनी है, मतलब भीख नहीं मांगनी है किसी के आगे कि मुझे सब्सक्राइब करो। हेल्प आप दो तरीके से कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, एक तो आपको YouTube पर बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सब्सक्राइबर आपको लेने कैसे हैं। जितनी भी टेक्निकल वीडियो हैं वो थोड़ी सी टेक वाली बात आप लोगों को बताते हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी उनकी, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। सारी देखने को नहीं कह रही हूँ, कुछ अच्छे अच्छे लोगों की, जैसे टेक्निकल गुरुजी की आप लोग देख सकते हो, मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत जेन्युइन बात बोलेंगे उसमें, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी थी। वरना कितने तो ऐसे हैं उनका टाइटल जो टैग्स होता है हमेशा यही होता है कि सब्सक्राइबर कैसे लो, सब्सक्राइबर कैसे लो, और घंटा उसमें होता है वीडियो में, बकवास होती है, कुछ नहीं होता उनके अंदर। ठीक है, वो नॉलेज होती है जो नॉलेज शायद आप चैनल बनाने से पहले ही ले लोगे। ठीक, तो एक तो ये ऐसी हेल्प आप ले सकते हो। शेयरिंग, बहुत से बोलते हैं कि शेयर करो, अपनी व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, कर सकते हो। ठीक है, बट कभी किसी पर ज़बरदस्ती मत डालो कि किसी के भी व्हाट्सएप पर भेज दिया कि ले मेरी वीडियो है देखना। शुरुआत में हम लोग करते हैं, शायद मैंने भी कुछ लोगों के साथ करा, मैंने भी करा था। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास शायद मैंने कभी लिंक भेजा होगा तो उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी लोग आपके लाइफ में होंगे। अपने फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हो, बट इतना शेयर मत कर देना कि सारे जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो एक्सटर्नल ही हो। ठीक है, आपकी खुद की वीडियो को देखकर कोई नहीं आ रहा, उससे भी यूट्यूब में बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि आप शेयरिंग कर सकते हो, बट उन लोगों को शेयर करो जिनको आपको लगता है कि आपकी वीडियो देखें, क्योंकि 1% अगर वो आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे और ऐसे ही चले जाएंगे क्लिक करके, तो आपकी वीडियो का वॉच टाइम ही ख़राब हो जाएगा। ठीक, फिर बात आती है कंटेंट की। वीडियोस बना रहे हैं तो ये तो पता होगा कि किस कंटेंट पे बनाना है आप लोगों को। जो भी कंटेंट आप चूज़ करो, ठीक है, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, शुरू की 10-15 वीडियो आपकी ना बहुत पावरफुल होने चाहिए। जो गलती हम लोग करते हैं वो हम कभी दूसरे को नहीं बताते। जो गलती मैंने करी थी जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो मैं खुद उस पर कोई रिसर्च नहीं करती थी कि हाँ मतलब कुछ पढ़ना लिखना है, नॉलेज लेनी है, तब उसके बाद वीडियो बनानी है, नहीं करती थी ऐसा। बट धीरे धीरे ये चीज़ मैंने भी सीखी है। मैं आपको जस्ट बता दूँ, अभी भी मेरे हाथ में देखिए ये मेरी नोटबुक है जिस पर मैं डेली लिखती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है और कौन कौन सी बातें आप लोगों को शॉर्ट में समझानी है, तभी आप बोल सकते हो। वरना आपकी वीडियो 30-35 मिनट की हो जाएगी। तो आपको अगर एक टाइम लिमिट लेकर वीडियो बनानी है तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर आप सिर्फ इतनी लाइन बोलोगे और इस पॉइंट पर इतनी, तो आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा जिससे आपका वॉच टाइम भी अच्छा होगा, लोग इंटरेस्टेड भी रहेंगे आपकी वीडियो को देखने में, क्योंकि वीडियो जब देखी जाएगी तभी सब्सक्राइबर मिलेंगे। ऐसे तो नहीं आप उसमें कुछ भी बारिश वाल बक रहे हो इतना लंबा और कोई इसको देखने के लिए बैठा है, तो ऐसा नहीं होता। थर्ड चीज़,
जब भी आप चैनल बनाते हो ये मत सोचो कि आज आपने वीडियो डाली है तो आज ही आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे पता है, मैंने अपना चैनल अप्रैल में शुरू किया था और मेरे बर्थडे 15 मई को मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके थे, ठीक है। 100 इतनी जल्दी हुए थे और उसके बाद मैंने इतना ढीला छोड़ा अपने चैनल को, अरे सब्सक्राइबर तो आ ही रहे हैं, और मैंने इतना ढीला छोड़ा, इधर उधर लग गई कि इससे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, इससे आ जाएंगे, मेरा चैनल बहुत पीछे चला गया था, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान नहीं लगाना कि सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, नहीं, आप सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान दो, डेली वर्क करो आप, ठीक है। जितना आप मेहनत करोगे सब्सक्राइबर अपने आप ही आपके पास आएंगे, आपको किसी भी इधर उधर के फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी होगी, आप लोग मन लगा के काम करोगे, वो तो भगवान के हाथ में। देखो, मेहनत का फल सबको मिलता है, किसी को थोड़ा पहले मिलता है, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है, तो बस वही है। मुझे भी काफ़ी लेट मिला था क्योंकि वो मेरी कमी थी, मैंने अपनी मेहनत पर जो है ब्रेक लगा लगा के मेहनत करी थी। अब जैसे मैं मेहनत करती हूँ, मेरा ये चैनल इतना अच्छा है और मेरा दूसरा चैनल भी मैंने स्टार्ट कर लिया, अब मैं जो मुझे पता है कि मुझे डेली अपने चैनल की वीडियो शूट करनी ही है, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, सिर्फ काम करते जाना है, सब्सक्राइबर पर इतना ध्यान नहीं देना। जिस दिन आप सब्सक्राइबर पर ध्यान देने लगोगे आपका काम अपने आप ही बहुत पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बस यही रहता है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे सब्सक्राइबर, तो वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता। आपकी वीडियो पर ही सब्सक्राइबर आएंगे, तो वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बनाइए, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको रेगुलरिटी से काम करना है। आपको देखो, एक तो YouTube पर ये है कि आप एक टाइम सेट कर लो, आपको उसी पे वीडियो डालनी है। जैसे मैंने टाइम सेट कर लिया कि 4 बजे मुझे मेरी वीडियो डालनी है, तो डेली 4 बजे के आसपास आपकी वीडियो आ जानी चाहिए, कि जितने भी सब्सक्राइबर आपसे जुड़े हुए होंगे ना, जो लोग आपसे जुड़े होंगे वो उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियो का वेट करते हैं, कि 4 बजे तो उनके माइंड में आता है अरे उसकी वीडियो आ गई होगी, तो वो एकदम से क्लिक करते हैं, ठीक है। YouTube पे स्टार्टिंग के दिन में मैं तो सबको कहूँगी कि आपको रेगुलरिटी से ही काम करना चाहिए, डेली वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, एक दो जितनी भी आप करो, वैसे तो मैं कहूँगी एक ही करो स्टार्टिंग में, तो डेली वीडियो अपलोड करो। डेली अगर आप वीडियो अपलोड करो तो YouTube उसको अपने आप प्रमोट करेगा आगे की तरफ। अगर आप ऐसे करोगे, एक बार कर दिए फिर महीनों तक गायब रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डेली वीडियो अपलोड करनी और सही टाइम पर अपलोड करनी, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके YouTube की जर्नी में, ठीक। उसके बाद जो एक और पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या सच में आप अपने चैनल से इतना प्यार करते हो कि आपको लगता है कि आप उसको आगे तक लेके जाओगे। मैं अपने चैनल से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि इस चैनल पर मुझसे लोग कनेक्ट हो रखे हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात सुनने के लिए मेरे चैनल पर आते हैं, ठीक है। इतने सारे लोग मेरे आसपास हैं, वो इसीलिए आते हैं कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा बताया होगा, तो उसको सुनने आते हैं। अगर आप अपने चैनल से ही प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अपने चैनल से प्यार करो, हमेशा पैशनेट रहो कि हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ। चाहे आपका 1 सब्सक्राइबर है, चाहे आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, आप यूट्यूबर हो, ठीक है। तो इस फीलिंग को हमेशा अपने अंदर रखो कि हाँ मैं यूट्यूबर हूँ, और उसी फीलिंग के साथ काम करो। जितना ज़्यादा इस फीलिंग के साथ काम करोगे, हमेशा ही चैनल ग्रो ही होता है। हमेशा ऐसे ही काम करा, अपने चैनल से बहुत प्यार करा। मेरे चैनल पर जो मेरी वीडियोस हैं, कभी मैं अपने पीछे की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, अरे मैंने ये वाली वीडियो ऐसे बनाई थी, इसमें ये कमी थी, मुझे ऐसे दूर कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये काम भी आप करो। और जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, सेटिस्फेक्शन। जब भी वीडियो शूट करो, उसको एडिट कर रहे हो, जब वो कंप्लीट हो जाए, एक बार खुद उसको ज़रूर देखो एज अ व्यूअर, कि अगर कोई और आपकी वीडियो को देखे तो उसका भी माइंड ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है आपकी वीडियो से। आप खुद व्यूअर की नज़रों से सोचिए कि आप सेटिस्फाइड हो रहे हो। आप किसी की वीडियो देखते हो क्या एक बार में उसको सब्सक्राइब कर लेते हो? नहीं, उसकी कई सारी वीडियो देखते हो। जब आपको पता लगता है हाँ ये बंदा है अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, तो आप उसको सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। ये हमारे साथ भी है, कितने चैनल तो ऐसे हैं जिनकी मैं रेगुलर वीडियो देखती हूँ बट मैंने आज तक सब्सक्राइब नहीं करा। मैं उनके व्यूअर हूँ, उनके सब्सक्राइबर नहीं हूँ, ठीक है। तो आप भी हमेशा जो वीडियो बनाओ, पहले खुद देखो कि आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं। बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाओ ना, तब उस वीडियो को अपलोड करो, उस पर सब्सक्राइबर अच्छे आएंगे। तो आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको व्यूज़ कैसे लाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के जो व्यूज़ हैं वो कैसे आएंगे, वैसे तो सबको ही पता, वीडियो अच्छी होगी तो व्यूज़ अपने आप आएंगे, बट स्टार्टिंग में कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप व्यूज़ ला सकते हो, जो पर्सनली मैंने भी यूज़ करे थे अपने व्यूज़ को इन्हेंस करने के लिए। जब मेरे चैनल पर सिर्फ 9 वीडियो थी और जहाँ मेरे व्यूज़ थे ऐसे 14, 15, 16 बस इतने, उसके बाद मैंने क्या करा था, वो ट्रिक अप्लाई करी थी, तो उसके बाद में अगले दिन जब सुबह उठी थी तो वो 7-9 अगले दिन सुबह 2500 थे, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं वो ट्रिक कल ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय।